ओके, तो इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द इक्विपमेंट्स वी रिक्वायर फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम. अब क्या होता है, एनर्जी मैनेजर आता है, ही हैज टू चेक कि क्या कमी है, क्या चीजें सही चल रही हैं कि नहीं, वॉट इज द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. अब सपोज ही हैज टू चेक द बॉयलर, बॉयलर सपोज लेट्स से एन एग्जाम्पल. अब बॉयलर चेक करने करेगा, उसमें देखेगा कि स्टीम किस तरीके से वो बना पा रहा है, सही बना पा रहा है कि नहीं. बट वो कैसे चेक करेगा, देर मस्ट बी सम इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट प्रोसेस टू चेक दैट. तो फिर क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट चेक करने के, वो प्रोसेस चेक करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होगी स्टीम वाली, मैंने आप लोगों को बताया था. अच्छा, अब हम देखेंगे कि क्या वो प्लांट के जो डक्ट्स हैं जहाँ से गैसेस पास होती हैं, मैंने बताया था उनको फ्लू गैसेस बोला जाता है, क्या वो गैसेस में से जो हम गैसेस पास आउट कर रहे हैं, क्या वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर जो हार्मफुल गैसेस है उनका लेवल कितना है. तो कोई इंस्ट्रूमेंट्स होती है वहां पे, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स का भी आपको डिटेल पूरा बताया था कि कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज कर पाते हैं. सो यहाँ वहां पे मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर की को एनर्जी मैनेजर जब विजिट करता है या ऑडिट होती है एनर्जी ऑडिट, सो वहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है ताकि सो दैट एक मैनेजिंग टीम एक ऑडिट कर पाए प्रॉपर वे से, सारी चीजों को एनालाइज करे, कहाँ क्या चीज गलत हो रही है, क्या सही हो रही है. सो वहां पे सारी चीजों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पर्टिकुलर. अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये क्या चीजें हैं, हर एक टॉपिक में अपनी अपनी चीज लिखी हुई है, आपको बस गो थ्रू करना ध्यान से कि क्या क्या चीजें वहां पे दी गई हैं. अब यहाँ पे बताया गया है कि हर एक प्लांट का, हर एक प्लांट जहाँ पे जो भी रिसोर्स बन रहा है उसका कुछ अपना इलेक्ट्रिकल मोटर सिस्टम्स होते हैं, अपने मोटर्स लगे होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, वहाँ पे अपनी मोटर्स होती हैं. वो मोटर्स को मतलब कैसी भी हो सकती हैं, अगर कोई हमें मीडियम पावर की मोटर चाहिए वहां पे थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर लगाई होती है, अगर हाई पावर रिक्वायरमेंट है तो थ्री फेस वाउंड इंडक्शन मोटर लगाई जाती है. सो मैंने जैसे आपको बताया, आपको अगर मीडियम चाहिए थ्री फेस स्क्वायरल केज मोटर, और यहाँ पे अगर आपको हाई पावर चाहिए थ्री फेस वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर इज यूज, ओनली द नेम यू हैव टू रिमेम्बर. अच्छा, द फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर वेरीज फ्रॉम 80 to 90% डिपेंडिंग ऑन साइज. आप बस इतना याद रखो कि जो हमारी थ्री फेस इंडक्शन मोटर, इंडक्शन यू हैव फोकस ऑन इंडक्शन मोटर, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 80 to 90% के बीच जो है हमारी आती है. अगर जो साइज है ना हमारी मतलब पर्टिकुलर हमने जो चीजें देखनी है उनका जो साइज है वो वेरी ना करे, अगर वेरी करता है तो परसेंटेज में भी वेरिएशंस आता ही आता है. तो जो फुल लोड एफिशिएंसी मींस जो पूरे मतलब प्लांट की एफिशिएंसी आप कह लो या मोटर से जो चीजें कनेक्टेड है उसकी एफिशिएंसी जो है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, मोटर का साइज भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, साइज क्यों इम्पोर्टेंट है, साइज इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी डिसाइड हो रही है. देखो, अब आपके पास सपोज करो वी हैव दैट मोटर एट आर होम्स जहाँ पे हम लोग पानी की मोटर्स लगाते हैं. ठीक है, उनका साइज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, और उसी तरीके से और हम किसी और अगर चीज से कंपेयर करें कहीं कहीं जगह इतनी बड़ी बड़ी मोटर्स लगी होती है, जैसे कोई वाटर पंप वाली मोटर देख लो आप, जो मतलब बड़े बड़े फार्म्स में लगी होती है जहाँ पे पानी का सप्लाई करना होता है. सो छोटी मोटर और बड़ी मोटर का मैं जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल आपको ताकि थोड़ा सा क्लियर हो. सो अब आप देखो जो खेत में पानी हम लोगों को देना है उसमें हम लोगों को बहुत मतलब जो स्पीड है ना वाटर की वो बहुत ज्यादा फ्लो कराना पानी, तो वो उसकी जो एफिशिएंसी होगी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी मोटर्स विच आर एट होम्स. तो हमें घर पे उतनी एफिशिएंसी की मोटर की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे इसलिए हम लोग लो एफिशिएंसी की मोटर यूज करते हैं. इसी तरीके से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट द मोटर्स आर यूज, बट दे हैव दे डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द साइज. ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं. ये एक चीज है कि
आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था पावर फैक्टर का, जो आप लोग आने वाले अपने क्लासेस में पढ़ोगे, आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि हमेशा जो हमारा लो पावर फैक्टर मोटर होता है ना, बाय हाई, उसको हम रिप्लेस करते हैं बाय एफिशिएंसी ऑफ हाई पावर मोटर. जहाँ पे हम लोगों को जरूरत लगती है कि जहाँ पे हम लोगों को प्लांट में अपनी हाई एफिशिएंसी की मोटर लगानी चाहिए, वहां पे हम क्या करते हैं, एक पावर फैक्टर टर्म करके मैंने आपको बताया था, हम वो लेते हैं किसी की जैसे एफिशिएंसी निकालनी हो वहां. लेकिन हमको जहाँ पे लगता है कि एफिशिएंसी यहाँ पे ज्यादा आ रही है, तो हमको यहाँ पे ज्यादा एफिशिएंसी वाली मोटर लगानी चाहिए इंस्टेड ऑफ लो एफिशिएंसी, तो हम वहाँ पे उसी वाली हाई एफिशिएंसी की मोटर लगा के उसी का पावर फैक्टर मतलब कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंट ऑफ लो पावर फैक्टर. हम लोग फिर उस हाई एफिशिएंसी वाली मोटर को देखते हैं कि उसका कितना पावर आ रहा है, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. अगर उससे भी हाई आ रहा हो तो हाई करेंगे, अगर उससे लो आ रहा हो तो लो करेंगे, बट हम जो लो वाला पार्ट यूज करते हैं उसको रिप्लेस कर देंगे. तो अब हमें क्या कहा जाता है कि मोस्टली प्लांट्स में हम लोगों को इट इज रिकमेंडेड दैट एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर ऑफ मोटर शुड बी एक्चुअली मेजर्ड एज अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑडिट. ये एक पार्ट है एनर्जी ऑडिट का, जो भी इंस्पेक्शन होती है. अगर देखो एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे ना, एफिशिएंसी ही मैटर करती है एट द एंड. अगर आप देख रहे हो, सपोज एक फैक्ट्री है, उसमें कोई प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है और उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन तो हो रही है, बट वहां से पॉल्यूशन इतना ज्यादा आ रहा है कि अनकंट्रोलेबल है. सो वो उस चीज की एफिशिएंसी नहीं बता रहा है, उसमें पॉल्यूशन इतना ज्यादा आ रहा है, क्या फायदा उसके प्रोडक्ट की प्रोडक्शन का. एक फैक्ट्री अलग से है कि वो प्रोड्यूस भी कर रही है बट उसका पॉल्यूशन पॉइंट है वो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है, उसकी फैक्ट्री से इतना वो हार्मफुल गैसेस नहीं निकल रहे हैं. सो वहां पे हम बोलते हैं कि वहां कुछ एफिशिएंसी निकल रही है. सो किसी ना किसी पॉइंट से हम लोगों को एफिशिएंसी भी एक अपने ऑडिट का पार्ट मानना ही पड़ता है, तभी हम लोग सक्सेसफुली बाकी सब चीजों को एनालाइज कर पाते हैं. ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताई गई है. तो ये मैंने पॉइंट सारे लिख दिए हैं. अब हम मेन फोकस करेंगे, डज द मेथड अवेलेबल टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट टू ड्राइव्स इंक्लूड. अब क्या होता है, हमको इलेक्ट्रिकल मतलब एनर्जी जो होती है ना, इन द फॉर्म ऑफ मतलब हमको जैसे घर के मीटर्स लगे होते हैं, ठीक है, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड वी हैव टू पे इंस्टेड ऑफ दैट, जितने भी हमने अपने कंज्यूम किए होंगे यूनिट्स में कंज्यूम किए होंगे, ठीक है, पर आर के हिसाब से हम लोग यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं, वो प्रॉपर एक सिस्टम है, वो प्रॉपरली मतलब वो चीज ऑलरेडी वेरीफाइड होती है, हमको बस उसी उन्हीं यूनिट्स के हिसाब से वी हैव टू पे. सो यहाँ पे हर एक प्लांट का डिसाइडेड होता है कि हम लोगों को देखना होता है कि एक प्लांट है वो प्रोडक्शन कर रहा है, बट उसका एक किस तरीके से जो है कॉस्ट को हम एक बैलेंस तरीके से यूज कर पाए, उनके कुछ मेथड्स हैं, वही हम लोग देखेंगे. सबसे पहले रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मोटर्स बाय एनर्जी एफिशिएंट मोटर, ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है. अब यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास मोटर्स हैं उनको हम एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स के साथ रिप्लेस करें. एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स कौन सी हैं, जो एक तो जिनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है और वो मतलब नॉन पोल्यूटेंट है और ज्यादा से ज्यादा मतलब हम लोग उनको यूज कर सकते हैं. बाकी मोटर्स आप देख लो, अगर उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी या फिर और भी फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे पावर फैक्टर मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, और कोई कौन सा कितना लोड ले पा रही है मोटर, वो भी मैटर करता है. सो इसलिए हमें एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, ये कोई एनर्जी एफिशिएंट नाम नहीं है, एनर्जी एफिशिएंट तरीका, मतलब एक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा हम काम करवा पाए उन मोटर से बट उनसे हमारी कॉस्ट भी कम आए, वो तरीका है एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स का. सेकेंड वन इज सिलेक्शन ऑफ मोटर ऑफ प्रॉपर साइज. ये हमको चूज करना पड़ेगा एज अ मतलब जो रिसोर्स बना रहा है उस पर्सन को, दे हैव टू चूज कि आपको कितने बल्क में चीजें बनानी है. अगर तो आपको थोड़े बल्क में चीजें बनानी है, आप अपने फिर हिसाब से छोटी मोटर्स का यूज कर सकते हो. बट अगर इफ यू हैव टू मेक अ रिसोर्स लाइक इन अ वेरी वेरी ह्यूज बल्क, सो आप अपनी मोटर उस हिसाब से फिर डिसाइड करो. अगर एक प्रॉपर जैसे ये तो नहीं होगा ना कि इफ यू हैव टू मेड अ वेरी फ्यू समथिंग कोल, थोड़ा सा ही बनाना आपको, अच्छा चलो इतनी बड़ी मोटर लगा दी, वो तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, उसका क्या फायदा, उससे तो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज नॉट हेल्पिंग एट ऑल. That's why a proper size of motor is very much necessary. The next one is improvement of power factor by adding of shunt capacitor.
अब बच्चे शंट कैपेसिटर भी जो ये चीजें हैं वो आप पढ़ोगे, आपने बेसिकली पढ़ा था जो कैपेसिटर्स होते हैं एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं, दो पैलर प्लेट्स होती है बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, इस तरीके से आपने कैपेसिटर्स का भी पढ़ा था, हम अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे वो सब क्या होता है। आप बस ये यहाँ पे नोटिस करो कि जो शंट कैपेसिटर्स होते हैं ना वो मतलब बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि हम एक पावर फैक्टर जो पॉइंट है, पावर फैक्टर जैसे मोटर्स में मैंने बताया इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, हम क्या कर सकते हैं अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं हमारा पावर फैक्टर, मतलब एक टाइप का आप सपोज करो एफिशिएंसी इम्प्रूव करना चाहते हैं हमारे सिस्टम की, तो हमें उसकी उसमें हमें एक शंट कैपेसिटर करके डिवाइस है उसको हमको लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा हमारी काफी ज्यादा रिलायबिलिटी आएगी सिस्टम में। जैसे पावर फैक्टर हमारा रिड्यूस होगा डिमांड चार्जेस एंड रिजल्ट इन दी लोअर कॉपर लॉस। आप देखो हमारा क्या हुआ पावर फैक्टर का, हमने क्या किया शंट कैपेसिटर नाम की एक डिवाइस लगाई, जिससे क्या हो रहा है हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, ठीक है पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ, अब क्या होता है रिड्यूस होती है हमारी डिमांड चार्जेस। डिमांड चार्जेस मतलब कि हमारा हम लोग आप कह लो डिमांड चार्जेस इन द सेंस कि जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी फटाफट से हम लोग यूज कर रहे थे ना उसका एक बैलेंस तरीका बन जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा हमारा जो कॉपर लॉस होगा वो भी कम होगा। कॉपर लॉस मतलब जैसे हमारा कोई भी मोटर है ना उसमें जो मटेरियल है ना हमारा, अगर इन केस ऑफ वो ये लॉसेस है ना जैसे ट्रांसफार्मर लॉस, ये एक अलग कंसेप्ट है, ये लॉस वैसा वाला नहीं है जो आप लोग समझते आए हो, ये अलग कंसेप्ट है, आपको बस ये याद रखना है जो एक मटेरियल है उसके अंदर कुछ कॉपर पोर्शन है उसका लॉस, ठीक है उसका लॉस वो भी कम होगा जब हमारी ये चीजें चल रही हैं। इसकी वजह से हमारा जो लाइन करंट है वो भी कम होगा, लाइन करंट मतलब जो करंट हमको मिल रहा है वो भी कम होगा। इन शॉर्ट हम बात क्या कर रहे हैं कि अगर हम शंट कैपेसिटर लगा देना अपने सिस्टम में तो हमारा ओवरऑल जो है प्रोसेस इन द सेंस कि ओवरऑल कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो हमें जो अपनी बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं उसमें फिर अकॉर्डिंगली चूज करना पड़ता है कौन सी चीज कौन सी मशीनरी जो है बेस्ट है हमारे प्लांट के लिए, जिससे पॉल्यूशन कम हो एफिशिएंसी ज्यादा दे और बाकी चीजें भी वी हैव टू कंसीडर। अच्छा फोर्थ पॉइंट कहते हैं इन एडिशन टू वोल्टेज ड्रॉप इन द केबल्स रिड्यूस लीडिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर वोल्टेज एट मोटर टर्मिनल्स। इन एडिशन टू वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, अब वोल्टेज ड्रॉप होता है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच हम एक वोल्टेज पॉइंट से दूसरे वोल्टेज पॉइंट के बीच जब हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं वो पॉइंट को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। एक कंसेप्ट होता है वोल्टेज राइज का। अब आपने केवीएल केसीएल कंसेप्ट पढ़ा होगा आई होप सो, तो उसमें आपको देखना होता था कि जब पर्टिकुलर हम जाते थे वोल्टेज सोर्स से रेजिस्टेंस की तरफ तो क्या होता था हमारा वोल्टेज ड्रॉप, इट मींस पॉजिटिव साइन से अगर हम पॉजिटिव साइन की तरफ नेगेटिव साइन की तरफ जा रहे हैं तो हमारा एक वोल्टेज ड्रॉप होता था, ठीक है। अगर हमें मतलब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का कहने का मतलब है कि अगर जैसे केबल्स हैं बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी प्लांट की तरफ आ रही है, हम यहाँ पे सिर्फ अभी ना कॉस्ट की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना मतलब कॉस्ट जो तारे वारे आ रही है वो जो प्लांट्स की तरफ उनका मतलब क्या मोटिव है, कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रहे हैं, कितना बल्क में चीजें बना रहे हैं तो कितनी बल्क में चीजें मतलब हमारी मतलब प्रोडक्शन है वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो पा रही है, वो मेन चीज है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में क्या हो रहा है कि आप ऐसे समझो इसको इजी तरीके से कि हमारे पास जो हमारे मतलब अगर हमें हमारी मोटर में ना हमको वी आर गेटिंग अ प्रॉपर वोल्टेज तो हमारी जो मोटर है एफिशिएंटली काम कर रही है। अगर वोल्टेज भी प्रॉपर नहीं हो रही है और मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा जो जितना भी लॉसेस हो रहे हैं उसके अंदर हो रहे हैं और बाकी सिस्टम में हो रहे हैं मतलब एक फ्लक्चुएशन टाइप हो रहा है तो उसकी वजह से हमें बहुत ही लॉस होता है उस चीज का। तो ये कहने का मतलब है आप इस लाइन इस लैंग्वेज में इसको समझो। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज याद करनी है, जैसे मैंने लिखवाई है एज इट इज याद करना, यहाँ पे है किलो वोल्ट एम्पेयर, यहाँ पे ये चीज लिखी है रिक्वायरमेंट ऑफ शंट कैपेसिटर। अब जो मैंने ऊपर शंट कैपेसिटर बताया था उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है उसको एक मैथमेटिकल वे में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्यू इक्वल्स टू पी, यहाँ बुक में दिया टेन फाइव, तो यहाँ पे आपको टेन की जगह कॉस करना है, यहाँ पे कॉस फाइव माइनस कॉस फाइव वन माइनस कॉस फाइव टू। अब जो Q है यहाँ पे इसकी क्या बताता है, अब आपने छोटी क्लासेस में वो पढ़ा होगा कैपेसिटर का फॉर्मूला, उसमें जो Q था ना
वो चार्ज होता था। तो यहाँ पे वही चीज है, ये चार्ज ही है बट इसमें किसमें दिया है, केवी किलो वोल्ट एम्पियर ऑफ शंट कैपेसिटर, मतलब ये चार्ज है और चार्ज किस तरीके का है, किलो वोल्ट एम्पियर ऑफ शंट कैपेसिटर। पी क्या है हमारे पास, एक्टिव पावर, पी हमेशा पावर डिनोट करता है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एक्टिव पावर। पावर बहुत टाइप की होती है, अपेरेंट पावर होती है और भी टाइप की पावर होती है, आप यहाँ पे जस्ट याद रखो एक्टिव पावर होती है। अभी इन सब चीजों का आपके इस वाले सब्जेक्ट से लेना देना कुछ नहीं है, बस ये इंट्रोड्यूस की गई है छोटे से पार्ट में, बाकी आप ये चीजें पढ़ने वाले हो नो डाउट आगे जाके। सो यहाँ पे जो cos 5 है वो है हमारा इनिशियल पावर फैक्टर, सबसे पहले जो हम पावर फैक्टर यूज कर रहे हैं, और हमारे पास cos 5 क्या है, डिजायर्ड, जो हमको चाहिए। देखो इनिशियल मतलब जो हमको मिल रही हैं चीजें, और डिजायर्ड मतलब जो हमको चाहिए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हमें मिल रही हैं और डिजायर्ड में से माइनस करके एक प्रॉपर थिंग निकालते हैं, फिर हम एफिशिएंसी इसमें से कैलकुलेट करते हैं। बाकी कैलकुलेशन नहीं है, एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, आप चाहो तो कर लो बट आपके पेपर में वो आएगा नहीं। सो द रिडक्शन इन केवीए डिमांड्स ड्यू टू एडिशन ऑफ शंट कैपेसिटर इज द रिडक्शन इन केवीए डिमांड। अब ये जो शंट कैपेसिटर इसीलिए लगाए जाते हैं, इससे क्या होता है, एक तो हमारा कंट्रोल्ड एफिशिएंसी होती है, ये चीज याद रखना, और हमारा पावर फैक्टर जो है वो काफी हमारा लो आता है। एक फॉर्मूला ये भी याद रखना, जो पावर होती है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/cos 5 - 1/cos 5 से, तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन इन डिमांड जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो होगी, मतलब रिडक्शन इन केवीए डिमांड इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला। क्या क्या याद रखना है आपको, आपको देखना है ये वाला फॉर्मूला Q equals to P cos 5 minus cos 5 2, फिर ये चीजों को आपने लिखना है क्या क्या होती है, फिर आपने लिखना है रिडक्शन इन केवीए डिमांड इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला, बस दो चीजें लिखनी है ये वाले पॉइंट्स में, उसके बाद आपने खत्म करना है। देन आपका एक 3 और रह गए, रिप्लेसिंग सिंगल स्टेज कंप्रेसर बाय 2-stage कंप्रेसर। अगर कोई सिंगल स्टेज कंप्रेसर है, उसी ने सारा बर्डन संभाला हुआ है, फिर उसकी एफिशिएंसी भी इतनी नहीं निकल पा रही, तो आप उसकी जगह 2 कंप्रेसर लगा दो, बट उतनी ही लगा दो जितनी वो एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर पाए। सो ये आपका लास्ट पॉइंट है 6, रिड्यूसिंग लीकेज। अब मैंने आपको आपको लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लीकेज भी होती है, तो लीकेज भी हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, अल्ट्रासोनिक, वो एक मीटर मतलब अल्ट्रासोनिक प्रोसीजर होता है हमारे पास, उससे चेक करते हैं। सो लीकेज जहाँ जहाँ हो रही है वो प्रोसेस से अगर हम चेक कर ले लीकेज कहाँ कहाँ हो रही है, तो वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लास्ट है पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ इंटरकूलर्स। अब जितने भी हमारे पास इंटरकूलर्स का तो छोड़ो ही छोड़ो, बाकी जितने भी हमारे पास चीजें हैं उनकी अगर हम पीरियोडिक मतलब टाइम टू टाइम, एक पीरियोडिक इसलिए यूज किया फॉर अ प्रॉपर थिंग की एक साइक्लिक वे में प्रॉपर टाइम टू टाइम, जैसे वीक में इतने टाइम है, मंथ में इतने टाइम है, उनकी क्लीनिंग करेंगे ना, तो जो डस्ट वगैरह है, जो भी चीजें वहां पे सेटल आउट हो जाती हैं, तो उनको हम रिमूव करते हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़ती रहे। अब आपके एसीज हैं, आप क्यों मतलब समर्स में उनको 2-3 उनकी सर्विस कराते हो, आपको पता है कि एयर अच्छी से आएगी हम लोगों को और कूलिंग भी अच्छे से होगी, तो इसीलिए हम लोग ये चीज करते हैं। तो ये था आपका सारा सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम।